आज इज आरिफ एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फंडामेंटल्स क्लास एंड इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड अबाउट द एम एस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड एम एस एक्सेल में हम लोग क्या सीखेंगे आज अटेंडेंस रिकॉर्ड. अटेंडेंस रिकॉर्ड का इस्तेमाल हम बेसिकली इसलिए करते हैं जैसे मान लें कि आपको सपोज कभी ऐसा होता है कि क्या होता है कि कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है किसी वजह से छुट्टी है किसी वजह से स्कूल बंद है या कोई भी फर्म बंद है तो वहाँ पर आप अटेंडेंस लगाते हो. बेसिकली हम स्कूल का लेके चलते हैं और स्कूल में मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा इसको ओपन करने का सिंपल सा तरीका ये है कीबोर्ड एंड ये आपका माउस. कीबोर्ड पे एक सिंपल सा शॉर्टकट है विंडो बटन होता है विंडो प्लस आर आप प्रेस करेंगे विंडो प्लस आर जिस इस कॉल को रन कमांड बोलते हैं. रन कमांड पे आपको लिखना होगा ई एक्स सी ई एल दैट मीन्स एक्सेल. एंटर प्रेस करेंगे एक यहाँ पे ओपन हो जाएगा. चूँकि हमने पहले से ओपन कर रखा है ताकि फ्रेमिंग में आपको टाइम लॉस ना करना पड़े आपको वीडियो स्किप ना करना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे कर रखा है. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एम एस एक्सेल यहाँ पे खुला हुआ है एंड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले सेल पे. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल यहाँ पे आप गौर से अगर देखें तो मैं इस माउस को यहाँ पे लेके आता हूँ पहले वाले बॉक्स पे. इस बॉक्स को हम सेल बुलाते हैं. सेल का मतलब होता है रो एंड कॉलम. क्या होता है रो एंड कॉलम यानी जो लाइन ऐसे खड़ी है वो आपका क्या है कॉलम है और जो लाइन ऐसे लेटी है उसको हम रो बुलाते हैं. ठीक. और रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बनता है सेल और सेल को हम बुलाते हैं सेल एड्रेस को. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मंथ पे आया तो मंथ वाले पे ए भी एक्टिव है पीला है और वन भी एक्टिव है. दैट मीन्स क्या कि वो ए वन है. क्या है वो ए वन. उसका नाम एड्रेस क्या होगा ए वन के नाम से पुकारेंगे. ए वन में हमने मंथ लिखा हुआ है. टैब दबा के आप बगल में आगे जा सकते हो जंप कर सकते हो. बगल में आप जनवरी क्योंकि आपको पता है जनवरी का मंथ चल रहा है. फिर एंटर दबाओगे तो नीचे आएगा ईयर लिखा है. क्या लिखा है यहाँ पर ईयर हमने 2024 लिखा हुआ है. नीचे हम लिखेंगे नेम. क्या लिखेंगे नेम. नेम के नीचे लाइक स्टूडेंट्स नेम कर सकते हैं आप चाहें तो. यहाँ पे अगर आपको एडिट करना हो लाइक इसमें नेम लिखा है पहले से. हाँ अब इस नाम के अंदर आपको और भी दो चार वर्ड ऐड करने हो तो F2 आप दबाएंगे. क्या प्रेस करेंगे आप F2. इसको फंक्शन 2 बोलते हैं. क्या बोलते हैं वेरी गुड. F2 दबाने से ये देखिए इसके अंदर लॉगिन हो गया एंटर कर गया और यहाँ पे कर्सर एक्टिव हो गया. हिल रहा है ना जो ब्लिंक कर रहा है उसको कर्सर बोलते हैं. और कर्सर का यूज़ ये होता है कि जब वो एक्टिव दिखाएगा आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं और उस पर काम आगे बढ़ सकता है. तो आप क्या करेंगे वेरी सिंपल. यहाँ पे आपने नेम लिख रखा है और इस नेम पे आप लिखेंगे स्टूडेंट्स नेम. तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट नेम. एंटर प्रेस किया आपने नीचे आ गए. कोई एक नाम लिख दीजिए लाइक मैंने लिख दिया सपोज विकास का. नीचे मैंने लिख दिया आरिफ का. उसके नीचे मैं अतुल का. ठीक है ये तीन नाम मैंने लिख रखे हैं. ठीक है ना विकास आरिफ और अतुल का. ठीक है ये मैंने इसका ऐसे बोल दिया मैंने यहाँ पे आपने लिखा. इसके बाद आप क्या करेंगे बगल में. अब आप देख रहे हो कि ये जो स्टूडेंट नेम वाला कॉलम का जो अल्फ़ाबेट था जो वर्ड था वो झांक करके बगल में आ गया. उसका एक सिंपल सा स्मार्ट शॉर्टकट है उसको आप नोट कर लीजिएगा. जो भी बच्चे हैं फोकस कर लेंगे उस चीज़ पे. आप दबाएंगे कंट्रोल ए जिसका मतलब होता है सेलेक्ट ऑल डेटा. क्या बोलते हैं उसको सेलेक्ट ऑल डेटा. वेरी गुड. इसके बाद कंट्रोल ए के बाद आप दबाएंगे कॉम्बिनेशन बटन अल्ट प्लस एच. क्या दबाएंगे अल्ट एच. उसके बाद ओ आई सिंपली आप दबा देंगे. ये देखिए जो जितना बड़ा अल्फ़ाबेट होगा वो उतना बड़ा शेप ले लेगा. जस्ट लाइक वाटर. जस्ट लाइक वाटर. जस्ट लाइक वाव मत समझिएगा. जस्ट लाइक वाटर. ठीक है कैसे आपने कंट्रोल ए किया अल्ट प्लस एच किया ओ आई दबाया. दैट मीन्स कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल अल्ट प्लस एच होम टैब यानी ये जो होम टैब वो एक्टिवेट होगा. ठीक. ओ आई का मतलब होता है ऑटो कॉलम फिट विद. क्या बोलते हैं ऑटो कॉलम फिट विद यानी कि वो अपने आप वो शेप ले ले जितना बड़ा आपका अल्फाबेट एक सेल में अट रहा है. जितना भी बड़ा शेप होगा वो उतने आप एक्सपैंड हो जाएगा. क्या हो जाएगा एक्सपैंड. दैट्स गुड. चलिए बात की बात बाद में करते हैं. स्टूडेंट नेम के आगे लिखना शुरू करते हैं. हम क्या लिखेंगे सबसे पहले संडे मंडे ट्यूजडे है तो लिखेंगे ना. दैट सिंपल इज दैट. तो आप यहाँ पे क्या करना सबसे पहला काम आप यहाँ पे लिखना डे वन. क्या लिखोगे आप डे वन. बगल में डे टू लिखा आपने डे टू. अब आपको हर बार नहीं लिखना पड़ेगा. जनवरी का महीना 31 का होता है पूरी दुनिया को ये बात पता है. यस और नो. लेकिन अब आपको हर बार थोड़ी लिखना पड़ेगा. डेटा आपके पास इतना लंबा है टाइम कम है आपके पास. तो आप क्या करेंगे वेरी सिंपल मैं बता दूँ आपको. आप कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पर जा करके आप माउस से सेलेक्ट करेंगे. माउस से आप इसको डे वन डे टू को सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करने के बाद गौर से देखिए मैं जूम कर रहा हूँ. सेलेक्ट कर देंगे. सेलेक्ट हो गया. हाँ सेलेक्ट हो जाने के बाद आप इस कर्सर को ये कॉर्नर पे आएंगे. यहाँ कॉर्नर पे ये ब्लैक हो गया. ये देखिए यहाँ पे भी प्लस का सिंबल बड़ा है. कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ पे ब्लैक हेड दिखेगा आपको. हल्का सा क्लोज लाइए. ब्लैक आया. इस ब्लैक को आप पकड़ेंगे माउस से और पकड़ करके इसको ऐसे ड्रैग करेंगे. क्या करेंगे ये देखिए डे फोर डे फाइव देखिए लिख के आ रहा है. आ रहा है कि नहीं आ रहा. देखिए आप देख पा रहे होंगे गौर से कि वहाँ पर आ रहा है. ये सुनो
डे थ्री, फिर बगल में मैं गया डे फोर, डे फाइव आ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, खींच के इसको ले जा रहे हैं। ये देखिए डे 16, 39, 31, कहाँ तक आ गए हम लोग, ये देखिए आपका 31 तक आ गया। मैंने छोड़ा तो क्या हो गया, डे 31, यस और नो बोलिए। अब आप कहेंगे सर हमको स्टार्टिंग में जाना, तो हम क्या करेंगे, नीचे देखिए एक बार गौर करिए, यहाँ पे नीचे ये देखिए, ये आपका स्क्रोल बार है, क्या ये स्क्रोल बार, बार मतलब डंडा होता है, स्क्रोल मतलब खिसकाने वाला डंडा, इसको माउस से आप दबाएंगे और लेफ्ट लेके जाएंगे, ये आपका हॉरिजेंटल स्क्रोल बार है, क्या है हॉरिजेंटल, ये देखिए स्टार्टिंग में आप आए, यहाँ देखिए आप डे वन पे आ गए, यस और नो, वेरी सिंपल आ गए। यहाँ आपको एक थोड़ा सा मैं जानबूझ के मैंने वो स्पेस छोड़ रखा था कि आपको समझा पाऊँ, गलती करके आप बेहतर सीख पाएंगे। यहाँ आप लिखेंगे उससे पहले डे वन पे दिन कौन सा है, अच्छा डे में और डेट में अंतर है, डेट मतलब दिनांक हो गया, डे मतलब दिन हो गया, समझ रहे, तो गौर करिए डे वन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नीचे आइए क्लॉक पे, आपके कंप्यूटर में यहाँ क्लॉक दिया होगा, क्लॉक पे बट टच करिए और जनवरी का पहला तारीख देखिए कौन सा दिन है, तो इस जनवरी की शुरुआत 2024 की शुरुआत सोमवार से हुई, किससे हुई है सोमवार से, तो आप यहाँ पे चुपचाप से आइए डे वन पे मंडे, क्या लिखेंगे आप मंडे, मंडे मैंने लिख दिया, बोलिए मंडे के बाद टैप करेंगे बगल में जाएगा। अब आपको क्या करना है, मंडे पे आइए, यहाँ फिर से वही काम करना है, कॉर्नर पे आइए, हल्का सा ब्लैक होगा, इसको दबाइए और लेके जाइए एंड तक 31 तक, है ना, यहाँ तक, और छोड़ दीजिए, वेडनेसडे आया है। अब मेरा डेटा सही है या गलत है इसको देखने के लिए आप एक बार फिर कैलेंडर पे नीचे आइए, कंप्यूटर पे यहाँ पाए टच करिए, देखिए 31 तारीख को वेडनेसडे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, ये देखिए 31 तारीख को वेडनेसडे पड़ रहा है, इसका मतलब हमारा डेटा जो अलाइन हुआ एकदम सही है, हमने गलत नहीं किया हुआ है ना, तो लास्ट में एक बार देख लिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर ट्यूसडे आ गया होता इसका मतलब हमने कोई गलती कर दी है, तो ऐसा नहीं हुआ है, इसका मतलब वो क्लियर है, यस और नो, बढ़िया। तो आप चुपचाप से स्टार्टिंग में जाइए इसको लेकर के, स्टार्ट में चले आइए, चले आए। अब आप कहेंगे सर ये विकास और आरिफ नाम की ये जो लोग हैं ये तो नीचे आ रहे हैं, अब हम क्या करें, तो आप सुनिए, यहाँ पकड़िए स्टूडेंट नेम को ऊपर से, या तो यहाँ से ऐसे पकड़िए पूरे बॉक्स को, पूरे पूरे डेटा को, या तो कॉर्नर से पकड़िए, ये कॉर्नर पकड़ेंगे तो क्या होगा, ये सब आ जाएंगे, तो हम सबको तो करना नहीं है, हमको तो केवल इनको नीचे लाना है, तो आप इसको पकड़िए ऐसे ले आइए, सेलेक्ट किया आपने कंट्रोल एक्स, क्या करेंगे आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एक्स, शॉर्टकट्स आपको याद करने होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में आपकी शॉर्टकट्स डाल दूंगा, बाकी आप चाहें तो शॉर्टकट याद कर सकते हैं गूगल पे निकाल करके, अल्फाबेट्स 26 हैं, शॉर्टकट भी 26 हैं कंट्रोल ए से जेड तक, तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल मैंने किया, तो सेलेक्ट ऑल तो करना था नहीं, मैंने माउस लिया सेलेक्ट किया जितना रेंज देना था मुझे, कंट्रोल एक्स से कट किया और नीचे लाया, यहां से मेरे को चाहिए ना, तो मैं नीचे लाया यहां पे और कंट्रोल वी कर दिया, क्या कर दिया कंट्रोल वी कर दिया। अब आप कहेंगे सर यहाँ ये दोनों आपने छोड़ा क्यों है, बताता हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा नंबर ऑफ डेज या फिर डेज, क्या लिखूँगा डेज, नीचे क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे लिखूँगा वीक मंथ, क्या लिखूँगा वीक, या ऐसे कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो नेम ऑफ डेज, क्या लिखूँगा ऐसा भी कर सकता हूँ, दिनों के नाम संडे मंडे ट्यूसडे, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज हो गए, यस और नो, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वापस गया F2 दबाया, होम दबाया, नंबर ऑफ डेज हो गया बच्चों, नीचे आइए स्टूडेंट नेम में आइए, आपको जो भी नाम लिखना है आप लिख सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है, या अगर आपको ये रिप्लेसमेंट लग रहा है कि सर यहाँ पे ये लाइन क्यों छोड़ रहे हैं आप, इसको ब्लैंक करना है तो छोड़िए, कोई इशू नहीं है, आप चाहें तो इसको इससे रिप्लेस कर दीजिएगा, कंट्रोल एक्स करिए, यहाँ आइए कंट्रोल वी कर दीजिए, ख़त्म, ठीक है। अब आप कह रहे हैं सर ये लाइन फालतू हो गई, इसको मैं क्या करूँ, अगर बगैर कॉपी किए इसको ऊपर ले जाना हो तब हम क्या करें, तो कॉर्नर पे आइए, 5 टच करिए माउस से, राइट क्लिक करिए, ये आपका राइट क्लिक है, ये आपका लेफ्ट क्लिक है, राइट क्लिक करिए ताकि ऑप्शंस आपको दिखे, राइट क्लिक आपने किया, यहाँ देखिए डिलीट का ऑप्शन दे रहा है, क्या दे रहा है डिलीट का ऑप्शन, उसको दबाइए हट गया वो, ठीक है, वो शिफ्ट कर गया ऊपर वाले सेल में, यस और नो, दिस गुड। अब आप क्या करेंगे, मंडे को मान लीजिए वो विकास प्रेजेंट था, क्या था प्रेजेंट, तो प्रेजेंट किया मैंने, प्रेजेंट किया मैंने, प्रेजेंट किया, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, संडे को क्या कैजुअल लीव छुट्टी होती है, तो आप क्या करेंगे सुनिए, संडे पे आइएगा, नीचे माउस करिएगा कॉर्नर पे, नीचे कर दिया, ब्लैक हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो, दिस गुड, तो यहाँ पकड़िए और उसको नीचे ले आइए, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये तो क्या हो गया सर, ये तो वीक डेज हो गए, क्या हो गए वीक डे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, आप तो कह रहे थे संडे मतलब संडे होता है, बिल्कुल होता है, ये देखिए आप जब एक्सेल में आप जब चाहते हैं कि दोनों वैल्यू कॉन्स्टेंट रहे, मतलब हम जितना ड्रैग करें तो संडे का सिर्फ संडे नीचे आए, तो आपको दो वैल्यू देनी पड़ेगी सेम, क्या देनी पड़ेगी दो वैल्यू सेम देनी पड़ेगी, बताता हूँ कैसे, इसको पहले सेलेक्ट कर डिलीट करिए, सेलेक्ट किया डिलीट का बटन हमने प्रेस किया, सेलेक्ट करने के बाद हम क्या दबाएंगे डिलीट दबाएंगे, 5 हो गया डेटा, फिर देखिए ऊपर संडे लिखा है बच्चों, नीचे भी हमें संडे लिखना होगा, नीचे भी हमें संडे लिखना होगा, लिख दिया, फिर आप दोनों को सेलेक्ट करिए, दोनों को
सेलेक्ट करिए, दोनों को सेलेक्ट करने पर सेम डेटा नीचे लेकर के वो आएगा। देखिए सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पकड़िए और लेके नीचे आ जाइए, ये देखिए संडे आया कि नहीं आया, सिंगल था तो संडे के बाद मंडे आता, वो अपने आप रोटेट कर रहा था, लेकिन दोनों वैल्यू सेम कर दिए तो क्या हो गया? एग्जैक्टली समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आप क्या करोगे, फिर मंडे पे जाओगे, तो चूंकि हम लोग एक डमी डेटा बना रहे हैं, एक फेक डेटा बना रहे हैं, या सच ही मान लो विकास एब्सेंट करते ही नहीं है, विकास एब्सेंट करेगा तो हम सब हमारा भविष्य खतरे में आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे उल्टा चलेंगे, यहाँ तक हम आए, सेलेक्ट किया हमने, और कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है, पूरी दुनिया ये बात जानती है सर नो। चलिए कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया, ड्रैग करेंगे इस स्क्रोल बार को, खिसका के आगे ले जाएंगे जहाँ तक हमको डेटा अपना चाहिए, है ना। यहाँ आपने टच किया इस जगह पे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे,